यही रोड के बारे में बोल रहे थे सर। हाँ हाँ यही रोड के बारे में बोल रहे थे। परसौती को ले जाने में बहुत दिक्कत होता होगा। तो देखिए रहे हैं, ट्रैक्टर आता है जाता है, कच्ची है, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होता है। क्या कहना चाहते हैं सर रोड के बारे में? रोड के बारे में जो काम करेगा उसी को अति करेंगे। सुरेंद्र यादव काम नहीं किए हैं, पांच छह बार से विधायक हैं। देखिए बार बार संभावना दे के हमने के बुरवा के बनाते हैं गोवार के। तब बोले थे लालू यादव एगो बात कि यादव के कभी भैंस पटक ली है, तब बार बार जादवे के हमने के पटका हल थे, लेकिन अबरी पटकाए वाला ना है। अबरी पटाक देवे, अबरी पटाक देवे, काहे देखे इतना। आप इस क्षेत्र में मिल गए सर, क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं? समस्या तो आप कुछ जनता से खुद पूछ रहे हैं क्या समस्या नहीं है। सबसे पहले तो रोडे का समस्या आप देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, देख भी रहे हैं कि इतना ना मतलब पाकों में हम भी आए हैं। तो इसी को दुरुस्त करने के लिए हम सभी जनता से 11 महीने का टाइम मांग रहे हैं कि इस बार हमें कम से कम एक बार मौका देकर देखिए और हर रोड कम से कम रोड का समस्या का समाधान कर सके। ऐसे लोग को मौका दीजिए ना। हाँ हम लोग देंगे, अभिषेक भैया के अभी जिताएंगे। क्या कहना चाहते हैं सर, विकास पहुँचा है? कहाँ विकास पहुंचा है सर, देख रहे हैं कच्ची अभी। तो हमने लालू यादव के चेहरा देख के खाली इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन खाली कोई गढ़ वाला यादव खाली खड़ा हो तो यहाँ पड़ी तो चुनाव जीत जाएंगे जी। यादव खड़ा हो या कोई और जाति खड़ा हो जो मतलब काम करे जनता का, उनको जिताएगा कि नहीं जिताएगा? नहीं, कहा जिताएंगे। हमने के जात से मतलब थोड़ी ना, हमने के काम से मतलब है। कोई जात रहे, निर्दलीय से खड़ा हो। हाँ हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए समाज सेवी अभिषेक कुमार मंटू आए हैं। हाँ हाँ, तो उनको से मिलवे किए, मौका दीजिएगा। अगर देखिए हमानी के तरह ये भी हमानिया की उम्र के हैं, नौजवान हैं, अगर इस सेवा के मतलब की सेवा हुआ करेंगे, सेवा के प्रति तत्पर रहेंगे तो कहे ना इनके हमको मौका देंगे। पूरा मतलब रास्ता इसी रहता है ना, बरसात बरसात में बस आपको में हीले आता है कि कैसे आप लोग जाते होंगे मेरे को लेकर, कितना दिन से इसे? ये कम पर मेरा याद से 10-12 साल से ऐसे है। 10-12 साल से इसी है? हाँ, मेरा याद से बोल रहे हैं। हालांकि मेरा 18-19 साल हो रहा है, तो हम देख रहे हैं जब से जन्म, जब से ऐसे देख। तो मट्टी उठ रहा था, कुछ भरा गया। सही बाईपास से मतलब बाईपास हुआ है ना, पास उसके वजह से, और पब्लिक बनवाया कि बना दो ऐसे रिक्वेस्ट करके। पब्लिक बोला था तो इतना ना कदम जाता होगा बहुत। अब भी अगर पानी पार जाए ना अभी ऐसे दिया, पार नहीं हो जाएगा। आप देख सकते हैं और आगे चल के देख सकते हैं आप लोग, मतलब यही मेन रोड जाता है। मेन रोड यही है, हम लोग का यही निकासी है। बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आप लोग सुरेंद्र यादव जी को नहीं बोलते थे? बोलते हैं फिर भी मतलब चुनाव जरा सा मट्टी अथी कर दिया और वोट लेके चल गया, कहते बना देंगे। क्या वजह है कि पांच छह बार से विधायक हैं फिर भी इतना विकास नहीं पहुंचा? अरे वो मतलब अपना विधायक बनता अपना क्षेत्र को चमका देता, लेकिन पांच छह बार से विधायक नहीं, हम लोग को देख ही नहीं रहे हैं। हम लोग को देख ही नहीं रहे। वोटवा तो आप ही लोग नहीं देते हैं? वोटवा आप देते हैं, ठीक है, बोलते हैं, लोभ देते हैं कि बाबू अगला साल बन जाएगा, वैसे रह जाता है, भरोसा दे कर तोड़ देते हैं भरोसा। आप लोग इस बार क्या सोच रही है, उपचुनाव है, मतलब देखिए सुरेंद्र यादव तो मतलब सांसद बन गए, अब उनके जगह पर या तो उनके बेटा आएंगे तो आओ पार्टी के आएंगे, तो मतलब उनके बेटा उठा के लाइएगा, उनका परिवार के लाइएगा, दूसरा के लाइएगा? नहीं, जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसी को लाएंगे, कोई भी आए, मेरा मतलब क्षेत्र के या गाँव का विकास। अभी एक युवा समाज से भी अभिषेक कुमार मंटू जी टहल रहे हैं, मतलब जनता से मिल रहे हैं, इनको पर विश्वास है? विश्वास क्यों नहीं करेंगे, करेंगे हम लोग, करेंगे और इनको वोट भी देंगे अगर अच्छा मतलब माहौल रहा तो हम देंगे। क्या कहना चाहते हैं सर रोड के बारे में? रोड के बारे में जो काम करेगा उसी को अति करेंगे। सुरेंद्र यादव काम नहीं किए हैं, पांच छह बार से विधायक हैं। देखिए बार बार संभावना दे के हमने के बुरवा के बनाते हैं गोवार के। तब बोले थे लालू यादव एगो बात कि यादव के कभी भैंस पटक ली है, तब बार बार यादवे के हमने के पटका हल थे, लेकिन अबरी पटकाए वाला ना है, अबरी पटाक देवे, अबरी पटाक देवे, काहे देखे इतना, देखे इतना। इधर तो देखिए रोड बना हुआ, इतना दुन्ना मतलब बना है। ये रोड तो ऐसे तो पीसीसी बना वाल गली है, ये रोड पीसीसी ढलाई ऐसे हुआ है, मतलब विधायक जी के फंड से नहीं हुआ है? विधायक जी के फंड से नहीं हुआ, जिला परिषद के थ्रू से हुआ ना। हो इतना दूर मतलब कोई फंड ना, ना कहाँ से, कहाँ से बोले थे ना कि बस हमारा जैसे जैसे भी विधायक बनेंगे एक दो महीना बाद ही वाला काम हम करवा देंगे। कहो हाँ, जो तबियत खराब था वो दिल्ली की एम्स उम्स में गए थे, वो तो बोले कि हमारा तबियत खराब जैसे ठीक होगा उसी हम बना देंगे, जो अबरी बार सहायता हमने के करे। तो हमने लालू यादव के चेहरा देख के खाली इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन खाली कोई गढ़ वाला यादव खाली खड़ा हो तो यहाँ पड़ी तो चुनाव जीत जाएंगे जी। यादव खड़ा हो या कोई और जाति खड़ा हो जो मतलब काम करे जनता का, उनको जिताएगा कि नहीं जिताएगा? नहीं, कहा जिताएंगे। हमने के जात से मतलब थोड़ी ना, हमने के काम से मतलब है। कोई जात रहे, निर्दलीय से खड़ा हो? हाँ हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए समाज सेवी अभिषेक कुमार मंटू आए हैं। हाँ हाँ, तो उनको से मिलवे किए हैं, मौका दीजिएगा। अगर देखिए हमानी के तरह ये भी हमानिया की उम्र के हैं, नौजवान हैं, अगर इस सेवा के मतलब की सेवा हुआ करेंगे, सेवा के प्रति तत्पर रहेंगे तो कहे ना इनके हमको मौका देंगे।
पूरा हमने के गांव कम से कम कितना है 1863 पूरा तीनों चार मिल के पूरा सहयोग करेंगे। देखिए अभिषेक कुमार मंटू सर से बातचीत करना चाहेंगे। देखिए जनता जो है, जनता का साफ साफ कहना है कि जो विकास करेंगे उनको मतलब हम लोग वोट देंगे। कितना दिन से ऐसे है सर, कितना दिन से रोड ऐसे ये कहना से है जो कोई ठीक है? विकास पहुंचा आपके गांव में? नहीं पहुंचा है। कहां विकास है? हां विकास है। देखिए अभिषेक कुमार मंटू जी हैं, अभिषेक कुमार मंटू विकासपुर हैं, विकासपुर हैं। विकास नहीं पहुंचा है? कहां पहुंचा है? ये पूरा मतलब रास्ता इसी रहता है ना बरसात बरसात में? बरसात में हीले आता है कि कैसे आप लोग जाते होंगे मेरे जुरूज को लेके? यही रोड के बारे में बोल रहे थे सर। हाँ हाँ यही रोड के बारे में बोल रहे थे। बरसात उठाते तो पसौती को ले जाने बहुत दिक्कत होता होगा? तो देखिए रहे हैं ट्रैक्टर आता है जाता है कच्ची है, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब 2024 है, मतलब 2024 में भी ऐसा रोड है। सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप इस क्षेत्र में मिल गए सर, क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं? समस्या तो आप कुछ जनता से खुद पूछ रहे हैं क्या समस्या नहीं है? सबसे पहले तो रोडे का समस्या आप देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, देख भी रहे हैं कि इतना ना मतलब पाको में हम भी आए हैं। तो इसी को दुरुस्त करने के लिए हम सभी जनता से 11 महीने का टाइम मांग रहे हैं कि इस बार हमें कम से कम एक बार मौका देकर देखिए और हर रोड कम से कम रोड का समस्या का समाधान कर सकें। जितने के बाद आपका पाँच मुख्य काम क्या क्या होगा सर? सबसे पहले तो रोड क्लियर करना, उसके बाद नल जल का समस्या है, उसके बाद प्रशासनिक सहायता, स्वास्थ्य के लिए सहायता और कुछ बच्चों को रोजगार देने के लिए भी काम करना है मुझे। जनता सर आप पर मतलब विश्वास जताने जा रहे हैं, मतलब विश्वास आपको जता के मतलब आपको वोट देने जा रहे हैं, तो जनता को मतलब विश्वास जीत पाइएगा आप लोग? अब तो मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, अब जिस तो जनता जनार्दन भगवान के समान होता है, वो क्या करना चाहते हो तो जनता ही बताएंगे ना। जनता ही मालिक होते, जनता जिनको चाहेगा उनको आगे बढ़ाएंगे। हाँ जनता चाह रही तभी तो ये बन रहा है ना, जनता चाह रही है तभी 35 साल 40 साल 50 साल जो भी रहे, देश आजाद हुए 70 75 साल हो गया, जनता चाह रहा है तभी तो ये रोड बन रहा है। जिस दिन जनता नहीं चाहती बताइए ऐसा मतलब रोड है, जिस दिन जनता चाहना बंद कर देगा, मैं किसी का खुल का विरोध नहीं करता हूँ, जिस दिन जनता हर व्यक्ति विशेष को चाहना बंद कर देगा उस दिन आपको काम होना चालू हो जाएगा। बाकी आप लोग जनता समझदार हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे पूछिए। जनता को आप विश्वास दिलाते हैं कि आप जितने के बाद रोड आओ मतलब जो नली गली का समस्या दूर कर? प्रथम उद्देश्य वही है कि हर गांव में रोड वाला समस्या सबसे पहले दूर करना, और आप भी समझदार हैं कि 11 महीना में उतना हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि प्राथमिकता सबसे पहले हर नली गली दुरुस्त करना। काम का शुरुआत करेंगे, बाकी तो फिर आगे और जनता जिताएंगे तो आगे काम होगा। हाँ हाँ जरूर जरूर, मन में मतलब अति है कि मतलब काम का शुरुआत करेंगे एकदम एकदम 100%। क्या ऐसे लोग को मौका दीजिएगा आप लोग? हाँ हम लोग देंगे, अभिषेक भैया के अभी जिताएंगे। क्या कहना चाहते हैं सर, विकास पहुंचा है? बना ये तक कहां विकास पहुंचा है सर, देख रहे हैं कच्ची अभी सड़क है। 35 साल से सुरेंद्र यादव विधायक थे, तभी ना विकास पहुंचा है? पहुंचा या अधूरा पहुंचा, पूरा नहीं हुआ। तो क्या करना चाहते हैं, सांसद बने हैं तो कुछ निकाल जाए अब। अच्छा अभिषेक कुमार मंटू है जो समाज सेवी है, मतलब युवा समाज सेवी है, तो इन लोगों को मतलब मौका देके देखिएगा। हाँ देना तो चाहिए, क्षेत्रीय है मतलब बेलागंज के हैं। ठीक है, सपोर्ट रहेगा आप लोग का? ठीक, चलिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये रोड देख सकते हैं आप लोग, यही बेलागंज का विकास है, ज्यादा हम लोग क्या बोले, आप लोग खुद आंखों से देख सकते हैं कि क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, कैसे मतलब बरसात में लोग जाते होंगे, यहाँ के जनता खुद समझते होंगे। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं था प्रदुमन यादव, जय हिंद।